लुक एट दिस, ये है नक्की झील। देखिए हमारा गाड़ी के ऊपर टेंट सेटअप लग चुका है। कहते हैं यहाँ पे तेंदुआ भी आ जाता है, भालू भी आ जाता है। Hey, good morning everybody. Good morning from Pali. आज मेरा स्टे था, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करते थे तब ये भाई अपने साथ हुआ करता था, और कल इससे मिलने आया और भाई ने आगे जाने ही नहीं दिया, कहता यही रहना। और आज का प्लान है हमारा, आज का प्लान कहीं ना कहीं माउंट आबू का बन रहा है, एंड आज पॉसिबल रहा तो कैंप करेंगे और माउंट आबू में करेंगे। तो इधर ही लंच कर रहे हैं हम, लंच करके फिर आगे निकलेंगे माउंट आबू के लिए। और यहाँ देखो खेत खलियान खूबसूरत, आगे चल के पाली है, ये थोड़ा आउटर इलाके में पड़ता है। तो सारा सामान अभी वापस गाड़ी में पैक करने का टाइम आ गया है। एवरीबॉडी ये देखिए, हैवी ड्राइवर चल रहे हैं आगे, 100 स्पीड मतलब 100 पार चल रहे हैं, कानों में फ्लूड लगा के, क्या बात है। और देखिए ट्रकों के बीच से निकालेंगे जनाब, बहुत तगड़े तरीके से। ओ क्या बात है भाई साहब, थार चेस नहीं कर पा रही है इस बाइक को। देखिए गाड़ी चल रही है 100, ये देखिए 100 प्लस चल रही है। अब मैं गाड़ी को और तेज करूँ, ये देखो 120 के आसपास जा रही है, तब जाके जनाब पीछे रहे हैं, कानों में ब्लूटूथ। हैवी ड्राइवर है वो भी, हीरो स्प्लेंडर प्लस। और ये अपना भाई तो सो गया, इस तरफ आप देख सकते हैं, इसको अभी नींद थोड़ा परेशान सा हो रहा था। ठीक है, नींद लेना थोड़ा सा सही है, बंदा ठीक हो जाता है। और मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और थोड़ी देर में सिरोही पहुँच जाएंगे, फिर अपर रोड, फिर ऊपर माउंट आबू जाने का प्लान। सिरोही के आसपास क्या है, देखो यार इधर भी नहरें होती है और वो देखो सामने से पानी आ रहा है, और ये इधर छोटा सा बना हुआ है डैम टाइप का सा, अब देख रहे हो कितना खूबसूरत नजारा है यार। मैंने गाड़ी वहां रोकी और मेरे को दूर से दिखा तो मैं यहाँ तक चल के आया, और वो आगे वहां पे देखो गुरुद्वारा भी है वो आगे। एवरीबॉडी ये देखिए कितनी सारी गाय, अभी हम सिरोही से थोड़ा सा पीछे हैं, अभी आगे चल के सिरोही आ जाएगा। तो अभी हम गुजरात से करीब 150 किलोमीटर पीछे और यहाँ से गाड़ी में कुछ तेल डलवा रहे हैं, टैंक फुल आगे गुजरात में ही कराएंगे। तो ये गुजरात रोड पे एक होटल है, यहाँ रुके चाय पीने के लिए, कूलर चाय वगैरह पियेंगे बैठ के। भाई तेरे टाइप की शॉप आ गई, गैस वैस की गोली ले ले। तो गाइस वो अपनी गाड़ी खड़ी है उधर, आप देख पा रहे होंगे, और ये इधर से रास्ता जा रहा है ऊपर, डैम बना हुआ बहुत ही खूबसूरत, बनास नदी का डैम है ये। तो हम जा रहे हैं ऊपर की साइड में, लुक एट द व्यू, लुक एट द ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत ये है बनास डैम जो अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये बनास डैम है ना, इसके थ्रू आसपास के जगहों में नहरों के माध्यम से पानी जाता है खेतीबाड़ी के यूज के लिए। ये तो उतर जाएगा बिकॉज ही हैव ट्रैकिंग शूज। देख पा रहे हो कैसे कैसे रस्सों से होते हुए अपन नीचे जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये मिट्टी ना चिकनी सी है, तो पूरे तरीके से उतरेंगे। और लेफ्ट साइड में बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब पूरी वाइब आने लग गई है मतलब इस जगह पे। सामने की साइड में एक टनल देखने को मिल रही है और हम पहाड़ी इलाकों में पहुंच चुके हैं, और क्या बात है राजस्थान में टनल्स है गाइस। लेकिन आप उदयपुर साइड और इधर आते हो तो आपको बहुत देखने को मिलती है, बट छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, राजस्थान का हिमाचल यही है। Look at this guys, ये देखो ओम बना हुआ है यहाँ पे, ये कोई ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, और हम गाड़ी पीछे रोक गए हैं, आगे चल के दो चार सामान लेना है हमें मार्केट से, वो ले रहे हैं। सबसे पहले जहाँ हमने पानी लिया बिस्लेरी 120 रुपए, उसके अलावा जो भी लोकल्स रहते हैं वो 90-95 रुपए, बट यहाँ तो यार लोकल ही 160 रुपए, बिस्लेरी 200 रुपए। पता क्या होता है यार, हमें तो हर चीज के लिए पानी चाहिए, हैंड वॉश के लिए भी बोतल वाला पानी यूज कर रहे हैं हम। तो ये दो पानी के हमने लिए यहाँ से 100 रुपीस के पड़े हैं। ऊपर चढ़ाई हमने शुरू कर दी है माउंट आबू के लिए, माउंट आबू यहाँ से एग्जैक्टली 21 किलोमीटर दूर है। बड़ी क्या खूबसूरत रास्ता है, मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता, राजस्थान का इतना सुंदर सा हिल स्टेशन है ना ये, और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का बड़ा खतरा है, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं भालू के। गाड़ी वाड़ी हमने पार्क लगा दी है और थोड़ा जा रहे हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं न्यू ईयर पे क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या माहौल है इधर का। हमने अभी कैंप के लिए कोई लोकेशन फाइंड आउट नहीं की, थोड़ा लोकल पुलिस वालों से आइडिया लेंगे कि किस तरफ जाएं। तो ये नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है शायद, तो हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, अंदर देखो कितना क्राउड है यार। अभी हम है माउंट आबू में, सबसे पहले इधर ही आए, इधर म्यूजिक की आवाज आ रही थी तो इधर आ गया हम। इस रोशनी से दूर ये लोकल्स की मार्केट है, तो हम लोकल्स की मार्केट की तरफ जा रहे हैं, इधर शायद कोई बढ़िया खाने को मिल जाए। ये एक जगह है, ये
इसके अंदर हम स्टोर के अंदर जाके आ रहे हैं। चचा वाह चचा वाह। एवरीबडी लुक एट दिस, ये है नक्की झील। इसके अंदर आप बोटिंग भी कर सकते हो नाइट में, यह देख सकते हो आप, काफी कलरफुल सी है। एवरीबडी मार्केट वगैरह घूम के हम आ चुके हैं, अभी क्या कल मॉर्निंग देखेंगे, अभी कैंपिंग लोकेशन देखते हैं जहाँ हम कैंप कर सके। तो गाड़ी वहाँ से निकालते हैं जहाँ हमने पार्क की है। वैसे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की फ्री पार्किंग हमने वहाँ नहीं की, हमने गलती से कहीं और कर दी। 100 रुपीज़ कॉस्ट रहा पार्किंग का, और यहाँ पोलो ग्राउंड है इसमें फ्री पार्किंग है, तो आप भी आगे से आओ तो पोलो ग्राउंड में कर सकते हो। तो ये अपने को भैया मिले और ये अपने को माउंट आबू में एक ऐसी जगह लेके आए, देखो आसपास बिल्कुल ग्राउंड है, कोई दूर दूर तक कोई टेंशन नहीं, और यहाँ बैठ के आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। बालू वालों को भी कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका ना बाइक रेंटल का काम है। किस नाम से आपका? अच्छा, तो आप अगर यहाँ आ रहे हो माउंट आबू में तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो एवरीबॉडी ये देखिए, हमने यहाँ पे ग्राउंड है और इस ग्राउंड में ये जगह फाइनल की है। यहाँ पे हम टेंट खोलने वाले हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस यहाँ पे बालू का भी खतरा है। तो कहते हैं टेंट में ऊपर है तो ऊपर तक आने का खतरा कम है, तो यार रिस्क ही ले रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये जैसे कैसे भी है भैया, रिस्क ही है। एंड आई थिंक भालू वालू शायद नहीं आएगा, और हमें ये बहुत बढ़िया जगह मिल गई यार, मजा आ गया। यहाँ पे टेंट वेंट ओपन करते हैं, सुबह दिखाते हैं आपको यहाँ का ब्यूटीफुल नजारा, दिल खुश हो गया यार यहाँ के। एवरीबॉडी लकड़ियां ढूंढने की कोशिश चल रही है, अगर कहीं मिलती है तो बोन फायर के लिए, लेकिन देखो अगर नीचे अभी से ही वो सही पड़ी है, बस इधर कचरा ही है, कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी देखिए, हमारा गाड़ी के ऊपर टेंट सेटअप लग चुका है, यहाँ बड़ा भालू का भी खतरा है। एक ग्राउंड सा मिला हमने, एक लोकल ने हेल्प की, और हम यहाँ के रह रहे हैं। देखो आसपास बस जंगल सा ही है, और ये देखिए हमारी गाड़ी, हम पैदल ही घूम रहे हैं कब से रोडों के ऊपर। हम जाके मार्केट में घूमते घूमते अभी यहाँ तक आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम खुद ही कुछ कुक कर लेंगे। न्यू ईयर पे भी कैंपिंग ठीक है, दिवाली पे भी तो कैंपिंग ही की थी, न्यू ईयर पे भी कैंपिंग, और कल इससे जस्ट अगले दिन मेरा बर्थडे आ जाता है। सो न्यू ईयर की अगली नाइट मेरा बर्थडे, यानी कल की नाइट मेरा बर्थडे है, तो जो भी है ठीक है। इस बार ज़्यादा नहीं, ओनली एक ही दोस्त है। कहते हैं यहाँ पे तेंदुआ भी आ जाता है, भालू भी आ जाता है, वो जंगली इलाका ना, तो जहाँ हम रुके ना वहाँ थोड़ा रिस्क भी है, जो होगा देखा जाएगा, अब तो रुकना तो है।